तो गाइस हमारे यहाँ आज मतलब 12 दिन हो गया है, तो आज बराई है। तो आज हम लोग मतलब गोबर मारते नहीं हो तो गाइस आज हमारे यहाँ मतलब बराई है, तो आज 12 दिन हो गया है, तो हमने मतलब छानी चीज किया है। तो आज हमारे यहाँ मतलब हलवा बनता है और पराठा बनता है, तो अपने बनने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा मतलब देवरानी के मतलब बाबू का आज 12 दिन हो गया, तो आज बराई है। तो हमने सारा मतलब घर में पूरा साफ सफाई हम और हमारे सासू माँ किए हैं, तो अभी से नहाए धोए हैं। तो वो छानी जो निकाल मतलब मतलब छठी से पहले वो छानी निकाला जाता है, तो हमने सिर पट्टे पर पीस लिया है। तो हमारे यहाँ आज बनता है वो छानी जो निकाला जाता है, तो उसका हलवा बनता है और पराठा बनता है, तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो घी से बनता है हमारे यहाँ। तो हमने कढ़ाई पहले ही से रख दिया है और वो छवानी जो निकाला था तो हमने पीस लिया है। तो आज 12 दिन पूरा हो गया टोटल बाबू को। फिर 21-22 दिन के बाद मुड़न है, फिर इसके बाद मुड़न में मतलब ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं करें, चढ़ाना है। तो देखे गर्मी में हम मेरा क्या हाल हो गया, तो गले में का सब निकाल दिए हैं, दाना दाना हो गया है। तो गाइस हमने मतलब इसमें आटा डाल दिया है, इसको लाल से पहले भून के तब डालेंगे। देखिए हमारा सूजी मतलब आटा तैयार हो गया है, लाल हो गया है। तो इसमें जो डाले हैं तो डाले, इसमें हल्दी भी डालना है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, अभी हल्दी डालेंगे, साफा हल्दी। तो भी थोड़ा पानी कम है, थोड़ा और डाल दें। पानी गिलास में लेके पी ले, जूठा नहीं करना। अरे मैं ऊपर से पीता हूँ। गिलास में ले ले उधर से। तो गाइस इसके बाद मेरा खोल जाएगा, तो हलवा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आटा गूंदेंगे, आटा फटाफट गूंदेंगे, तैयार कर लेंगे। देखिए हलवा तैयार हो गया और छवानी वाला, तो हमने आटा भी गूंद लिया है, तो अब इसको पराठा बनाएंगे।
तो पहले हलवा को ढक देते हैं, नहीं तो इसमें कुछ गिर जाएगा। पराठा बनाने तावा रखा। हाँ तो इधर देखो नहाने जा रहे हैं। कहो नहा जा तू। अब तू क्या कर तू बर्तन इधर यार चिम्मच चम्मच कुछ मिल ही नहीं रहा। कैसे पराठा बने? पराठा बनाने लगे तो हमारे यहाँ ऐसे डबल बनता है पराठा, तो चढ़ाया जाता है। जब पूजा हुई ना तो बनाने ठीक है।